अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ इस घंटी को भी प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आर्यन और आज की इस वीडियो में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा जीएसटी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि जीएसटी क्या है। जीएसटी के फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, और इससे हमें क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं और क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, आपके सभी के मन में ये सवाल होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जीएसटी एक एकीकृत टैक्स व्यवस्था है। केंद्र और राज्य अलग अलग विभिन्न मदों पर सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष पर वसूलते थे। अब इनसे अलग अलग ऐसे टैक्स ना लेकर इन सभी को समाहित कर दिया है। भारत में जो जीएसटी आएगी वो चार तरीके से आएगी, एक 5% पे, एक 12% पे, एक 18% पे और एक 28% पे। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुओं पर सेस लगाने की व्यवस्था भी लागू की गई है। फिलहाल पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस पर जीएसटी घटाया गया है सरकार की तरफ से, सबसे पहले जो है वो इंसुलिन पर 12% से घटाकर जो है जीएसटी वो 5% तक घटा दिया है। स्कूल बैग्स पर 28% से घटाकर उसे 18% कर दिया है। उसी तरह कंप्यूटर प्रिंटर जो होते हैं उन पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, और अगरबत्ती पर 12% से हटाकर 5% कर दिया गया है, और इसी प्रकार कुछ अन्य चीज़ों पर भी जीएसटी घटाई गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेवाओं पर जीएसटी रेट कितना होगा। 5% जीएसटी रेट सर्विसेज, ट्रेन या ट्रक से माल धुलाई, एसी ट्रेन टिकट, कैब सेवा, विमान का इकोनॉमी क्लास पर टिकट, टूर ऑपरेटर सर्विसेज, विमान की लीजिंग, प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजिंग, ये जो सब चीज़ें हैं इनमें सेवाओं पर जीएसटी रेट जो है वो 5% तक है। और 12% जो जीएसटी रेट सर्विसेज हैं जैसे रेलवे कंटेनर से सामान धुलाई, विमान का बिजनेस क्लास का टिकट, नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना, रोज़ाना 1,000 से लेकर 2,500 रुपये किराया वाला होटल, कॉम्प्लेक्शन या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, पेटेंट अधिकारी या अस्थाई ट्रांसफ़र, इसमें 12% जीएसटी रेट सर्विसेज हैं इन सब चीज़ों में। अब हम बात करते हैं 18% जीएसटी रेट सर्विसेज की। फ़ोन बिल, बैंकिंग, बीमा और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज, एसी और शराब लाइसेंस वाला रेस्टोरेंट, आउटडोर कैंटीन में खाना सप्लाई आदि, इन सब चीज़ों में 18% की जीएसटी सर्विसेज हैं। हम बात करते हैं 28% रेट वाली जीएसटी सर्विसेज का। सिनेमा टिकट, थीम पार्क, वाटर पार्क, मैरी गो राउंड, गो कार्टिंग, कैसीनो, रेसकोर्स, बैले, आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स इवेंट आदि में भी 28% जीएसटी रेट सर्विसेज लागू होंगी। हम बात करते हैं कि जो जीएसटी रेट्स, जो 0% जीएसटी रेट्स आइटम हैं जिनमें जीएसटी नहीं लगेगा वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूढ़ी, मुरमुरे, खुई, ब्रेड, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, अंडे, मीट, मछली, शहद, ताजी फल सब्जियां, प्रसाद, नमक, सेंधा, काला नमक, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, पान के पत्ते, ये आदि चीज़ें हैं जो खाने का राशन है, इस सब पे जीएसटी रेट 0 लगेगा। हम बात करते हैं 5% जीएसटी रेट वाले आइटम की। ब्रांडेड अनाज, ब्रांडेड आटा, ब्रांडेड शहद, ब्रांडेड मतलब जैसे कि फ्रेंड्स हमें पता है जो कंपनी की तरफ से जैसे जो कंपनी में आते हैं वो ब्रांडेड कहलाते हैं, और जो हम खुद पिसवाते हैं जो आटा वगैरह गेहूं को वो ब्रांडेड नहीं होता। चीनी, चाय, कॉफ़ी, मिठाइयाँ, खाद्य तेल, पाउडर, बच्चों के मिल्क फूड, रस्क, पिज़्ज़ा ब्रेड, टोस्ट ब्रेड, इन सब पे जो है दालचीनी वगैरह इन सब पे लगेगा 5% जीएसटी रेट आइटम, ये 5% जीएसटी रेट वाले हैं। अब हम बात करते हैं 12% जीएसटी रेट वाले सामान की, जैसे नमकीन, भुजिया, बटर, ऑयल, घी, मोबाइल फ़ोन। जी हाँ फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन पे 12% जीएसटी रेट लगेगा। ड्राई फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल जूस, सोया मिल्क और दूध युक्त ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फ्रोजन मीट, मछली, अगरबत्ती, कैंडल, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्यो दवाइयाँ, गाज, ब्रैंडेज, प्लास्टर, आर्थोपेडिक उपकरण, टूथ पाउडर, सिलाई मशीन और इसकी सुई, ये जो सब चीज़ें हैं इन पे 12% जीएसटी रेट लगेगा। ये जीएसटी रेट 12% वाले आइटम हैं। हम बात करते हैं इन पे 18% लगेगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि चार तरीके के जीएसटी रेट लगेंगे, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। सो हम बात करते हैं 18% वाले की। हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जैम जेली, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड, शुगर, कन्फेक्शनरी, फूड मिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डायबिटिक फूड, इन सब चीज़ों पे लगेगा 18% जीएसटी रेट।
अब जो 28% वाली आइटम्स हैं वो हैं कस्टर्ड पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी चॉकलेट, परफ्यूम, शैम्पू, ब्यूटी या मेकअप का सामान, डिओड्रेंट, हेयर ऑयल या क्रीम पाउडर, स्किन केयर प्रोडक्ट, सनस्क्रीन, लोशन, मैनीक्योर, पेडीक्योर प्रोडक्ट, शेविंग क्रीम, रेज़र, आफ्टर शेव, लिक्विड सोप, ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो इन सब पे 28% GST रेट लगेगा। और ये सिर्फ एक ही रेट होगा, इसके अलावा आप कोई और रेट नहीं लगा करेगा। सो आप बताइए, आप जैसे आप इससे खुश हैं या खुश नहीं हैं। वैसे तो सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ लागू हुई है GST के बाद, अब काफ़ी जो